आदाब, नमस्कार। हमारे एक अजीज दोस्त हैं जो लुधियाना में रहते हैं, नाम है उनका दीपक सूद। उन्होंने अपने वालिद साहब की यानी पिताश्री की नज़में मुझे भिजवाई हैं जो मैंने पढ़ी और मैं काफ़ी मुतासर हुआ। मैं उनकी 5 नज़में आज आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दीपक साहब के वालिद साहब का नाम था संतलाल मरहूम, कलमी नाम था पेंटर बावरी। लुधियाना से ताल्लुक रखते थे, जाहिर है जनाब साहिर लुधियानवी के करीब दोस्तों में से थे। उनके साथ उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में भी काम किया। उनके 2 मजमूए कलम कांपता है और खराशें शाये हो चुके हैं। अब चाहे शायर हो या मुसव्विर, तखय्युल के बुलंद परवाजी के बिना दोनों नामुकम्मल हैं। शायर जो कुछ सोचता है, महसूस करता है, उसे कलम से, और मुसव्विर अपने ख्याली पैकरों को ब्रश के सहारे उजागर करता है। पेंटर बावरी साहब की नज़में जब मैंने पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि वो शायर भी हैं, मुसव्विर भी हैं। उर्दू में लिखते रहे, उर्दू में उनकी किताबें शाये हुई, इसलिए आज गुमनामी के अंधेरों में कहीं खोए हुए हैं। ये कोशिश है ऐसे शोरा और अदबा को ढूंढ निकालने की। जो गुमनामी का शिकार हुए हैं, जरूरत है कि उन सबका कलाम लोगों तक पहुंचे। आज मैं आपको सुना रहा हूं पेंटर बावरी साहब की 5 नज़में। ये नसरी नज़में हैं। जिन्हें हम उर्दू में आजाद नज़में कहते हैं। पहली नज़म जो मैं आपको सुना रहा हूं उसका उन्वान है मेरा वतन। नोक पर कांटों की जैसे एक तबस्सुम बल्लब फूल, यकजहती ये गुलिस्तां के वास्ते रसूल। मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन, इसको तासुब के गज से नापने वालों, इसको नजरे तखरीब से देखने वालों, इसको नोच कर अलग अलग पत्तियों में बांटने वालों, हो सके तो एक जरा चश्मे इबरत लगा कर देखो। कुल्हाड़ी भी तुम्हारी है, पांव भी तुम्हारा है, कुल्हाड़ी भी तुम्हारी है, पांव भी
तुम्हारा है। दूसरी नज़्म का उन्वान है, मुझे गवारा नहीं, मुझे गवारा नहीं, मकरूज हूं फन का, हुस्न का, अदब का, कुछ ना कुछ देनदार हूं मौसीकी का भी, कर्ज खा यूं तो बहुत हैं कि जिन्हें उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता, यानी अशरफुल मखलूकात करोड़हा इंसान के जो सोते हैं ना जागते हैं, मुजस्मों की तरह सोते हैं ना जागते हैं, मुजस्मों की तरह। तीसरी नज़्म इसका उन्वान है दर्मा, बेअसर अब आहो फुगा, बेअसर अब आहो फुगा, सर के ऊपर है पानी का गुजर, चमकती धूप के पास नहीं खुप अंधेरों का इलाज, सिसक कर रेंग कर चलने वालों खुद कोई शमा रोशन करो, खुद सियो चाके गरेबा खुद करो दर्द का अपने दरमा, खुद करो दर्द का अपने दरमा। अगली नज़्म में जुर्म दर जुर्म, सऊबतें झेली हैं गैज़ो गज़ब की, मसाफतें तय की हैं जिंदा अदब की, ऐ निज़ामे ज़रगरी के हुक्मरां, मैं तेरी कम ज़र्फियां नाप रहा हूँ, ऐ निज़ामे ज़रगरी के हुक्मरां, मैं तेरी कम ज़र्फियां नाप रहा हूँ। ये पुलिस अफवाज जिंदा, ये हवालात और ये ठूसे हुए लग़्व का क़वानीन, खुदा लगती है कि ये सब का सब, खुदा लगती है कि ये सब का सब बराए खवास मुरत्तब हुआ है, जुर्म दर जुर्म जबर दर जबर, ये सब देन है निज़ामे नाकिस की, वगरना पैदा कोई पेट से मुजरिम नहीं होता, वगरना पैदा कोई पेट से मुजरिम नहीं होता। आखिरी नज़्म जो आपको सुना रहा हूं उसका उन्वान है माँ। दीपक साहब ने मुझे बताया था कि उनके वाले साहब की वालिदा का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब वो एक माह के थे। ये नज़्म उन्होंने अपनी माँ के लिए ही लिखी है, उन्वान भी माँ है, सुनिए। वाकया रात को जो मेरी तख्लीक में ढला, वो मेरी पैदाइश से लेकर उम्र की आखिरी मंजिल के गिर्द घूमता है, तब मैं फरिश्तों में शुमार होता था, शहरे मासूमियत में रहता था, ये जब की बात है कि मैं सहने सदाकत में घुटनों के बल चलता था, फिक्र फर्दा था न गमे इमरोज, फिक्र फर्दा था न गमे इमरोज, और फिर दफतन मौत के सफाक हाथों छीन ली मुझसे लोरियां मेरी, काट दिए मेरे हंसी ख्वाबों के पर, पटक दिया मुझे खींच कर शफकत की गोद से बदनसीबी की आगोश में, जिस तरह कोपल पे कुल्हाड़ी चले, जिस तरह कोपल पे कुल्हाड़ी चले, जिस तरह महकती फुलवारी चले, और फिर सूख गया मेरा वो चश्मे शफीक, जिससे सैराब होना था मेरा जहने चमन, जिसके तवस्सुत से
मुझे आदमी से इंसान बनना था। आह मगर माँ, मेरी शफीक माँ, तू कहाँ, तू कहाँ। तो ये थी पेंटर बावरी की 5 नज़में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो खबर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।